दोस्तों, किडनी की बीमारी के इलाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपकी डाइट। आपकी डाइट आपकी किडनी की अलग अलग प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखती है, ताकि आप जो दवाइयां खा रहे हैं उसका असर आपके शरीर में बहुत अच्छे से हो। कई लोगों के दिमाग में सवाल उठता है कि अंडे का हमारे शरीर में और स्पेशली हमारी किडनी पर क्या असर पड़ता है, क्या अंडा किडनी की बीमारियों में हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कितना फायदेमंद है अंडे हमारे शरीर के लिए, स्पेशली हमारी किडनियों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हमारे शरीर के एक प्रोटीन के बारे में जानते हैं, जिसे एल्बुमिन कहा जाता है। एल्बुमिन हमारे खून में पाया जाने वाला सबसे कॉमन टाइप का प्रोटीन है। ये हमारे शरीर को ग्रो करने में और हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। अगर आप डायलिसिस के ट्रीटमेंट में हैं, तो एल्बुमिन आपके शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालकर खून में वापस भेज देता है, जिससे आपका डायलिसिस भी अच्छे से होता रहता है। यानी कि अगर आपको किडनियां ठीक करनी है, तो आपके शरीर में एल्बुमिन लेवल अच्छा होना चाहिए। पर एल्बुमिन आता कहाँ से है? एल्बुमिन पाया जाता है ऐसे खानों में जिनमें प्रोटीन की मात्रा होती है। इनमें से ज्यादातर जानवरों द्वारा दिए गए प्रोडक्ट, जिसमें मांस, मछली, चिकन, अंडे, दूध वगैरह वगैरह है, क्योंकि इनमें से सारी चीजों में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। ऐसा ही प्रोटीन नट्स, बीन्स, वेजिटेबल्स और गेहूं में भी पाया जाता है, पर इनमें पाए जाने वाले प्रोटीन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती। मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहती है, पर इसमें प्रोटीन के साथ साथ फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और आपको ये जान लेना चाहिए कि किडनी की बीमारी के वक्त आपके शरीर में फास्फोरस की मात्रा काफी कम होनी चाहिए। आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें फास्फोरस की मात्रा बिल्कुल ही ना हो। तो अंडे के दो हिस्से होते हैं, एक तो पीला हिस्सा और दूसरा होता है सफेद हिस्सा। तो आप ये जान लीजिए कि आपको अंडे का सफेद भाग खाना है, पीले भाग से आप दूरी रहिए अगर आपको किडनी की कोई भी बीमारी है, क्योंकि ये आपके शरीर में ऐसे ऐसे प्रोटीन्स और मिनरल्स पहुंचा देगी जिससे आपकी किडनियों को काम करने में और ज्यादा परेशानी होती जाएगी और आपकी किडनियां ज्यादा तेजी से फेल होती जाएंगी। तो आप अंडे के इस फायदे को कैसे उठा सकते हैं? आप दिन में एक बार दो अंडों के सफेद हिस्सों को खा सकते हैं। आप इन्हें उबाल कर, पका कर या लिक्विड फॉर्म में भी पी सकते हैं। पर ध्यान रखिए, अंडे का पीले वाला हिस्सा बिल्कुल भी आपकी डाइट में नहीं जाना चाहिए। ऐसी कई स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग अंडे की इस टाइप की डाइट को फॉलो करते हैं, धीरे धीरे उनके शरीर में फास्फोरस की मात्रा कम होने लगती है और एल्बुमिन की मात्रा बढ़ने लगती है। यहाँ तक सिर्फ डेढ़ महीने में ही आपके खून में एल्बुमिन की मात्रा नॉर्मल से काफी ऊपर बढ़ जाएगी। एल्बुमिन बढ़ने से यह होगा कि आपकी किडनी के जो सेल्स टूटते जा रहे हैं, जो सेल्स खराब होते जा रहे हैं, वो फिर से रिपेयर होना चालू कर देंगे और धीरे धीरे आपकी किडनी का फंक्शन सुधरता जाएगा। पर ये भी ध्यान रखें कि आप पूरी डाइट सिर्फ अंडे की ना कर दें। लगातार बहुत सारे अंडे खाने से आपके शरीर में गर्मी हो सकती है और ये गर्मी आपके शरीर के बाकी अंगों को भी खराब कर सकती है। तो देखा आपने कितना फायदेमंद हो सकता है अंडा आपकी किडनियों के लिए। पर अगर आपकी किडनियां खराब हैं, तो अंडे के साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगी आयुर्वेदिक इलाज की। चलिए जानते हैं कर्मायुर्वेदा के बारे में, जो पिछले कई दशकों से 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों का इलाज कर चुके हैं। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन दुनिया भर से आए न जाने कितने ही किडनी पेशेंटों को डेली ठीक कर दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। क्या नाम है आपका? कमलेश मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। दिल्ली की? दिल्ली में कहाँ से? सोनिया। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हुई थी आपको? दिक्कत टॉयलेट कम आ रहा था थोड़ा सा, क्रिएटिन बढ़ा हुआ था। अच्छा, कितना था क्रिएटिन उस समय? उस टाइम 9.4 था। ठीक है, 9.9 था। 9.9 ठीक है। और ये टेस्ट आपने कहाँ से कराए थे? उत्तर पैथोलॉजी, हम घर पे जाके टेस्ट रिपोर्ट लेकर जाते हैं। अच्छा, आपके आसपास से ही है? हाँ, आसपास में ही, वो घर से आके कलेक्शन करके लेकर जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा, तो आप देख रहे होंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं इनके फिजिकल? हाँ, फर्क पड़ा है, काफ़ी फर्क पड़ा है। टॉयलेट वगैरह भी प्रॉपर हो रहा है, वीकनेस कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, पहले बहुत थकान सी होती थी, थकान तो अभी भी है लेकिन पहले से कम, बहुत कम है, सुधार है अभी तो। हाँ, टाइम कम, हाँ, सुधार है, सुधार है, बहुत पैदल भी चल लेते हैं। वेरी गुड। तो क्या बताया था उस समय डॉक्टर ने, जब ये क्रिएटिनिन 9.9 पहुंच गया था आपका? डायलिसिस के लिए? डायलिसिस के लिए नहीं, वो तो पहले से गंगाराम में दिखा रहे थे, तब उन्होंने बोला था।
उसके बाद अगर सेन में तो वही बोले थे फ्री में डायलिसिस भी हो रहा था तब भी हमने डायलिसिस नहीं करवाया हमने तो जरूरत ही नहीं है तो डायलिसिस की आपने कराया नहीं ना उससे नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं है डायलिसिस की क्रिएटिनिन भी काफ़ी रिड्यूस हो गया हमारे एक साथी थे उन्होंने बताए थे और यहीं पे ऑफिस अपना 403 में ऑफिस है अच्छा 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 ठीक है तो पहले से तो काफ़ी फर्क है जी 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 ये कमलेश मिश्रा जी की रिपोर्ट है 17 दिसंबर 2018 की जब आए थे क्रिएटिनिन 9.9 यूरिया 181 एक एक करके सारे पैरामीटर्स मैं आपको दिखाऊंगा गुप्ता पैथोलॉजी करावल नगर से कराइए 10 मार्च 2019 को इन्होंने दोबारा कराई है क्रिएटिनिन जो हुआ है वो 9.9 से 6.8 हो गया यूरिया 181 से 109 और जो पहले इनका हीमोग्लोबिन था वो 5.5 था और ये बढ़ के हो गया लगभग 6.9 यानी कि 7 के आसपास आ गया ESR अगर हम पहले की रिपोर्ट और अपने देखें 75 से घट के 58 हो गया RBCs जो थे 1.60 थे रिड्यूस थे बहुत 2.4 हो गए प्लेटलेट 98,000 थे प्लेटलेट इम्प्रूव करे 1.27 हो गए PCB 14 था 22 हो गया MCHC सारे के सारे पैरामीटर 39.3 से 30 हो गया तो देखा आपने कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक चमत्कार आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में हेल्दी रहें खुश रहें अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B 234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034 हमारे फोन नंबर हैं 09871712050 011-4264-4274 हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं